हम जब बमीना में रहते थे तब वहाँ पर गुरुदेव श्री की यात्रा निकली थी और उसमें 500 यात्री माने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहने 500 की संख्या में सब सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और वहाँ पर विराजमान थे। हमारे बमीना में रोका गया, 15 मिनट का हमारा उनका संपर्क हुआ और हम गुरुदेव ने दादा से कहा कि आप सोनागिर पधारो, वहाँ पर अपन मिलेंगे। सोनागिर में वहाँ हम सब परिवार उसी रात 1 घंटे की तैयारी में उनके साथ ही और सब हमारे माता पिता सास ससुर सब हम लोग सब पूरा परिवार सोनागिर गया और 3 दिन गुरुदेव के प्रवचन वहाँ सुने। और गुरुदेव ने वहीं पर बोला कि एक पात्र जीव है और इनका पूरा परिवार, हमको ऐसा लगता है कि ये पूरा परिवार ही पात्र है। तो हम आप हमारे सोनगढ़ ज़रूर पधारो। वहाँ से हमारी पूज्य गुरुदेव श्री की यात्रा और मिलन सब साथ में हुआ। ये तो रही एक तत्व चर्चा की बात, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहती हूँ कि मेरा जीवन जन्म पंडितों में ही हुआ। मेरे भाई पंडित, मेरे मामा फूफा चाचा चाची मामा भाभी पंडितों में ही मेरा जन्म हुआ था। मैं अपनी माँ का उपकार कभी नहीं भूलूंगी, जो मेरी माँ ने मेरे को 5 वर्ष की उम्र से धार्मिक शिक्षा दी, हमको नहीं हमारे सब बहन भाइयों को, और धार्मिक शिक्षा दे करके उन्होंने सबको धर्म पर लगाया। ये हमारी माँ का पूरा उपकार है, उनका सम्मान हम जितना करें उतना बहुत कम है। हम 5 साल की उम्र में मैंने आलू वगैरह सब का त्याग कर दिया था और मैं मंदिर में गई और मंदिर में जाके भगवान के सामने मैंने आलू जमीकंद का त्याग कर दिया। और आई तो 2 दिन हमारे मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरी माँ मेरे को शकरकंदी सेक के रख देती थी, वो नहीं खाती थी कभी, उन्होंने कुछ नहीं लिया। हमने 3 दिन कुछ नहीं खाया, भूखे आ गए, तो बोली क्या बात है। मैंने कहा मैंने त्याग कर दिया। बोली क्यों? मैंने कही ऐसे ही। तो बोली कहाँ किया था? मैंने कहा मंदिर में। तो मुनिराज थे क्षीर सागर महाराज, आपने उनके सामने नहीं किया? मैंने कहा उनसे बड़े तीर्थंकर भगवान हैं 24, मैंने उनके सामने नमस्कार। और मैंने ताज जिंदगी को वो छोड़ दिया। और ये ऐसे हमारे माता पिता सब ने हमको ये संस्कार बचपन से दिए। मेरी 12 साल की उम्र थी, हमारे यहाँ थूवन जी एक क्षेत्र है, वहाँ पर पंचकल्याणक हुआ और मेरे यहाँ मेरे पिताजी के पास में जैन गजट जैन संदेश वगैरह सब अखबार आते थे, उनमें बचपन से ही वो पढ़ा करती थी। तो उनमें मैं देखती थी कि लड़कियों दहेज प्रथा के ऊपर या प्रथा प्रथा के ऊपर लड़कियाँ आत्महत्या करती थीं। आरा में हमारे फूफा जी रहते थे, सिवनी में रहते थे, तो वे हमको बतलाया करते थे कि 8 लड़कियों ने आग लगा करके और ख़त्म हो गई दहेज प्रथा के ऊपर। तो मेरी 12 वर्ष की उम्र थी, मैंने उस पंचकल्याणक में उस जमाने की 10,000 की सभा में मैंने दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा के ऊपर एक भाषण दिया। उस समय एकमात्र जैनियों में जमुना प्रसाद कलरैया जज थी, वो उनकी अध्यक्षता थी और मैंने वो जब बोला तो वो गदगद हो गए। उन्होंने मेरे को बुलाया, अपनी गोदी में बैठा ला और बोले कि ये किसने लिख के दिया तुम्हें? मैंने कहा क्या किसने लिख के दिया? मैंने कहा ये मैंने खुद ने लिखा। नहीं, आपके पिताजी पंडित हैं, शायद उनने लिख के दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ही लिखा है और मेरी ये धारणा है कि ये नहीं होना चाहिए।
जब एक मेरे 14 साल की उम्र हुई, मेरी शादी की चर्चा चली तो मेरे फूफा इनको पढ़ाते थे रात उसमें राजघाट में, तो पढ़ाते थे महेंद्र कुमार जी न्याय तीर्थ मेरे चाचा थे बनारस में, और उषादवाद विद्यालय के बहुत बड़ी अधिष्ठाता थी। ऐसे हीरालाल कौशल, परमानंद जी, पंडित जी, मेरे फूफा जी वगैरह सब रहे हैं। इनका जब हो गया वो भाषण, इन्होंने सुना होगा, हमारे फूफा जी इनको बतलाया करते होंगे कभी, उन्होंने कहा कि हमारी भतीजी बहुत है, उसने एक भाषण पहले भी सुन रखा होगा और किसी से, तो उन्होंने जब बताया तो चलो होगा, फिर बाद में क्या पता कारणवश हमारी 14 साल की उम्र मेरी और 19 साल की उम्र इनकी थी, शादी हुई। तो मैं तो शादी का अर्थ को समझती नहीं थी कि क्या होता शादी में, तो इतना जानती थी कि दो आदमी बैठते हैं और बातें करते रहते हैं। फिर मेरी मैं उसमें एक दो तीन घंटे की क्या पता क्या संयोग था, कैसा संयोग रहा कि इन्होंने भी वहाँ से हमारे पिताजी को पत्र लिखा कि हम आदर्श शादी करेंगे। और मैं तो कहा ही करती थी अपने यहाँ सबसे हमारी सहेलियों से कि तुम लोग आदर्श ऐसा करो कि अपने माता पिता से दहेज मत लेना, मना कर देना सब। तो ऐसी बात चली तो हमारे पिताजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और शादी 2 घंटे की शादी हो गई। मेरी 2 दिन परीक्षाएं थी, मैं अक्षय तृतीया की शादी हुई और अक्षय तृतीया के बाद 2 दिन हम तो बारात रहनी पड़ी, हमारी परीक्षा थी विद्या विनोदनी की, तो परीक्षा देते रहे हम। जिस दिन शादी थी उस दिन भी पेपर था, और जिस दिन शादी हो गई उसके 2 दिन भी पेपर थी मेरी। तो मैंने सब वो परीक्षाएँ देती रही, और फिर बाद में जब विदा हुई तो एक हम नदी पड़ती है हमारे यहाँ बेतवा नदी, मैं उसमें बचपन में माने हमेशा नहाने जाया करती थी, और 9 मील दूर थी हमारे गांव से। वहाँ पे बैलगाड़ी का ज़माना था, बारात बैलगाड़ी से जा रही थी, और हम उतरे नदी देख के, हम उतरे वहाँ पर, मेरा पैर फिसल गया, मैं नदी में गिर गई। नदी में गिर गई तो अपने आप उठ के और तो गाड़ी में बैलगाड़ी में आ गए, तो किसी ने कहा कि तुम जाओ देख तो लो कहीं लग तो नहीं गई। तो जे आए वहाँ हमसे मिलने, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक ना किसी का मिलन हुआ होगा और ना कभी होगा जैसा हमारा पहला मिलन हुआ था। वो तो ये तो नहीं पूछा कि आप कहाँ लगी तुम्हें क्या हुआ, और सबसे पहले कहते हैं कि अपने को कोई भावलिंगी संत मिलेंगे तो अपन उनको आहार देंगे। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, मैंने कहा मैंने तो 12 वर्ष की उम्र से मुनियों को आहार दिए हुए थे, मैं सब जानती थी कि कैसे क्या होता है, तो मैंने उस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये सबसे पहले हमारा मिलन था, और फिर बाद में दुनिया में संसार में तो उतार चढ़ाव तो बहुत आते ही हैं और आते ही रहते हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी हम दोनों बहनों के जैसे रही, ये दोनों भाइयों जैसे रहे और हम दोनों बहनों जैसे रहे। तो हम दोनों पढ़ते थे, और एक क्या पता पुण्य का उदय इनका शुरू से ही कैसा है कि पूरा घर एक सूत्र में परोए रहते थे सबके लिए, माता पिता को हमको सबको एक सूत्र में बांध कर रखा और सबको वो दिया। तो
विलक्षण उसके धनी तो थे ही। तो शुरू से जब जे महाकाव्य लिखा, पश्चाताप लिखा, वैराग्य महाकाव्य लिखा, हमारी मेरी चार स्त्रियां ऐसी करके कहानी लिखी, मेरी चार माताएं ऐसे शादी के पहले, ये सब मेरी चार स्त्रियां घबराना नहीं थी, नहीं थी नहीं ऐसी मेरी चार स्त्रियां, एक निद्रा मेरी स्त्री, एक हंसी मेरी स्त्री, ऐसी करके चार स्त्रियां मेरी कहानी में हैं। वो सब जब हमारी शादी हुई तो हम पश्चाताप हमेशा पड़ा करते थे अपने घर में बैठ के, हम सारा पूरा घर। मैंने तो शुरू से मैंने कहा ना, मैंने अपने जेठ को भी कभी पर्दा नहीं किया, ना उन्होंने मेरे से करवाया और ना मेरे से उन्होंने मेरे को बेटी जैसा व्यवहार रखा उन्होंने भी, और हमने भी उनको अपने पिता तुल्य व्यवहार रखा, और ऐसे ही हम सब लोग रहे घर में। तो जब तो हमारे हम जयपुर आ गए, तो जयपुर में पहले हम अशोकनगर रहे 9.5 साल, फिर 1.25 साल 1.5 साल इंदौर रहे, और वहाँ से हम इंदौर आए, जयपुर आए। तो जयपुर में आके मैंने होम्योपैथिक की पढ़ाई की, डॉक्टरी, और डॉक्टरी की मेरी यूनिवर्सिटी में 2 साल मैंने निःशुल्क वहाँ सेवाएं दी, फिर मेरी वहाँ यूनिवर्सिटी में सेवा सर्विस लग गई हो गई। तो इन्होंने मेरे को मना कर दिया, बोले अपने घर पर है, अपने घर पे करो। मैंने घर पर चालू कर दी वो अपनी, छोड़ दी सर्विस यूनिवर्सिटी की। आज यदि उसमें होती तो कितना फिर मैंने घर पर सेवा करी, घर पर सब रख लिया, और घर रखा ही था पहले से, तो मैंने सब किया। तो घर पे भीड़ होने लग गई, तो घर पे से उठा करके और ऑफिस के एक कमरे में ले गए कि यहाँ पे बैठो। तो वहाँ पे बैठा दिया, वहाँ की मैंने वहाँ तो चालू हो गई, तो वहाँ भीड़ होने लग गई, तो वहाँ से उठा के एक रात को हमारा नेमीचंद गोधा था उसको बुला करके रात को 12 बजे वो उससे फकवा दिया। फिर बाद में मेरे को फिर भी नहीं रहा गया, तो मैंने सर्विस की पढ़ाने की, मैंने पढ़ाया, तो मैंने 6 महीना पढ़ाया, और 6 महीना पढ़ा के वो भी छुड़वा दिया। बोले कि मैं तुम्हारे खाने लायक तो बहुत कमा लूँगा और छोड़ दो। भाव ऐसा नहीं था कि हम काम नहीं करें, भाव तो ये था कि अरे मैं स्वाटर बुनने लग गई इनको खुद के लिए, तो बोले कि इनमें क्यों दिमाग खराब करती हूँ, अपना मनोस्वभाव खराब हो जाएगा इसमें, और आप ये चीज़ें तो पैसों से आ जाती हैं, और तुम तो अपना अध्ययन मनन करो। हमें देवरानी जेठानी को, दोनों को, हमारे पिताजी को, सबको इन्होंने पढ़ाया, और हमने सबने एक साथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक की और विज्ञान की सबकी परीक्षाएं दी, और सब एक साथ में हम स्वाध्याय वगैरह करते, ध्यान करते सब जयपुर में सब हमारे। फिर ऐसा करते करते हम जयपुर में 3 साल मैंने प्रवचन किए स्मारक में, और सब लोग मेरे साथी सब कम से कम 30-40 लोग मेरी उम्र के से ऊपर, सब जज तहसीलदार ऐसे वकील सब लोग, डॉक्टर सब आते प्रवचन में, और हम लोग सब लोग बैठते। फिर महाविद्यालय खुल गया, तो 1 साल महाविद्यालय चला, उसके बाद मेरी वो प्रवचन ख़त्म करवा दिया। बोले अब तो विद्यार्थी बहुत हो गए हैं, और जो विद्यार्थी ही प्रवचन करेंगे अब तुम छोड़ो। फिर प्रांतीय शिविर लगा, और प्रांतीय शिविर तक हम क्लासें लेते थे, ये अभ्यास कक्षाएं सारी प्रवेश का की सब की, और पढ़ाते थे सब, हम परीक्षाएं लेने जाते थे। हमारे जयपुर में एक हिंदू का मंदिर था, उसमें महिला अध्यक्ष रही, महिला मंडल की, उसमें हमने नाटक वगैरह किए रविंद्र रंगमंच पे,
वहाँ पर नाटक वगैरह के ये सब पढ़ाई की, सब कुछ किया धार्मिक, सब धर्म का, और सबको पढ़ाया। मेरे जब बचपन में और जयपुर में भी कई माताएं बहनें ऐसी थीं कि जो पढ़ी लिखी तो नहीं थीं, लेकिन भजन वगैरह बहुत अच्छे गाती थीं तात्विक। तो मैं वो घूंघट बहुत बड़ा डालती थी, तो मैं उनसे कहा करती थी कि भाई तुम पढ़ो करो, तो वो ऐसा कहती, अभी हैं वो जिंदा हैं अभी इस समय भी, तो वो कहती थी कि हम कैसे पढ़ें। हमने कहा आपके बच्चों से पढ़ो। तो कहें बच्चे, मेरे बच्चे, वो मैं अपने बच्चों से पढ़ूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने कहा नहीं, आप पढ़ो उनसे। आज वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करने लग गई थी, ऐसी मेरे से पढ़ के ऐसी सीख गई थी, चार पांच बहनें थीं ऐसी, और सब उन्होंने ऐसा किया। अब इस तरह से हमारा जीवन एक बहुत धर्ममय। और हाँ, हम जब एक बात और है, सोनगढ़ हम जाते थे, मेरे ऊपर गुरुदेव श्री का और बेन श्री का बहुत ही स्नेह था। जब मैं जाती थी तो गुरुदेव हमेशा कहते थे, बेन आई है ना, बेन आई है, अच्छा हिंदी में प्रवचन करूँगा। तो मेरे लिए हिंदी में प्रवचन करते थे गुरुदेव श्री। और बेन श्री को मैं रात को 11 बजे गई एक दिन, मेरे को जाना तत्काल, कुछ ऐसा काम आया तो हमें वहाँ से उसी रात को निकलना पड़ा, पहले रुकने वाले थे। तो मैं रात को 11:30 बजे गई, तो किसी ने कहा कि बंद है, तो वो बोली कौन आया, कि भाभी आई, जयपुर वाली भाभी, अरे खोलो खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा खोलो, बुला बुला उनको। तो तत्काल बुलाती थी और मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखती थी। इस तरह से कभी ये देखो, धर्म की रुचि, तत्व की रुचि, इसके लिए ही ये सब बातें आई। और ऐसा ही हमारा जीवन। और पंडितों में अब बच्चे, बच्चियाँ, बहुएँ, पोता, पोतियाँ, आज के दिन आपके सामने सारा पूरा परिवार पंडितमय हो गया है। और ये सब हो सकता है कि आगामी काल में कभी भी मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसी मेरी भावना है।